हेलो दोस्तों, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो भाई लोग, रियलमी 2 में कलरवे 6001 का अपडेट आ चुका है। आप लोगों को तो पता ही है, पर कलरवे 6001 में हमें काफ़ी ज़्यादा नए नए फीचर्स देखने को मिला है। जिस नए फीचर्स के अंदर सबसे बड़ा फीचर्स है गूगल का डिजिटल वेलबींग। तो आज हम लोग बात करेंगे गूगल का डिजिटल वेलबींग के बारे में, और ये गूगल का डिजिटल वेलबींग क्या क्या काम करता है और इसका फंक्शंस क्या है। इस गूगल का डिजिटल वेलबींग से आप बस बैटरी का कंजम्पशन ही नहीं और बहुत कुछ जान सकते हैं। आज हमको आप लोगों को मैं बताऊंगा गूगल डिजिटल वेलबींग के बारे में पूरा डिटेल्स। तो भाई वीडियो को एंड तक देखते रहो अगर आप गूगल के डिजिटल वेलबींग को जानना चाहते हो। तो चलिए गूगल के डिजिटल वेलबींग में टैप करते हैं। आप लोगों को पता है कि सेटिंग्स में आने के बाद आपको डिजिटल वेलबींग का एक ऑप्शन मिल जाते हैं। उसी ऑप्शन से आप काफ़ी अच्छे से चीज़ों को देख पाएंगे। आप बात करते हैं, ये है गूगल का डिजिटल वेलबींग का इंटरफेस। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाइट स्टूडियो है, यूट्यूब है। बेसिकली मैंने सुबह उठ के एक बार बहुत टाइम वाइट स्टूडियो और यूट्यूब ओपन किया था। आप कितनी टाइम ओपन किया था अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे आके टैप कीजिए, और टैप करने के साथ ही आपको ये बता देगा कितनी बार यहाँ पे ओपन किया है, क्या किया है, नहीं किया है, कितनी टाइम तक मैं इस एप्लीकेशन में था, कौन कौन से दिन क्या किस किस टाइम में था। और उसी के साथ यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं 18 मिनट तक यहाँ पे रहता था। और यहाँ पे ऐप टाइमर नाम का एक ऑप्शन है। ऐप टाइमर में आप यहाँ पे कितनी टाइम के बाद इस ऑप्शन को रीसेट कर सकते हो और कितनी टाइम के बाद आप इस एप्लीकेशन को डिसअलाउ कर सकते हो, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के हिसाब से फिलहाल मैं इसको ऑफ ही रख रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आप यहाँ से नोटिफिकेशन को भी मैनेज कर सकते हो। किसी एक एप्लीकेशन जिसका आप नोटिफिकेशन को ऑफ़ करना चाहते हो, आप यहाँ से आके डायरेक्टली नोटिफिकेशन भी ऑफ़ कर सकते हो, ठीक है। अब YouTube की बात अगर हम लोग कर ले, वो भी यहाँ पे सेम फैक्ट आता है, पर यहाँ पे शो एक डैशबोर्ड नाम का ऑप्शन है। आप यहाँ पे सिंपली चले जाइए और आप डायरेक्टली YouTube में पहुँच जाएंगे, और YouTube में आप कितनी टाइम तक डेली एवरेज देखते हैं, YouTube क्या करते हैं नहीं करते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया YouTube का डैशबोर्ड, और यहाँ पे भी आपको ऐप टाइमर और मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप थोड़ा बहुत आते हैं हम लोग डैशबोर्ड की तरफ, तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल रहा है वेज टू डिसकनेक्ट। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ देखने को मिल रहा है, एक है डैशबोर्ड और सेकंड है विंड डाउन। अब ये दोनों चीज़ को मैं आपको अच्छे से बोल दूंगा ये चीज़ क्या है। डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी स्क्रीन टाइम। आप यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कितनी बार किसी एप्लीकेशन को आप ओपन करते हैं, वो भी यहाँ पे लॉग हो जाता है। देखिए मैं 46 मिनट तक स्क्रीन टाइम पे हूँ, और आप यहाँ पे स्क्रीन टाइम के हिसाब से काफ़ी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कितनी नोटिफिकेशन को मैंने रिसीव किया है, कितनी बार किसी एप्लीकेशन को ओपन किया है। तो यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन रिसीव की बात करें तो YouTube से मैंने 8 नोटिफिकेशन रिसीव किया है, WhatsApp से 4 नोटिफिकेशन रिसीव किया है, टोटल 19 नोटिफिकेशन आज मैंने 15 अक्टूबर रिसीव किया है सुबह से लेके अभी तक। अगर अभी कोई नोटिफिकेशन आ जाए वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। ये तो हो गया नोटिफिकेशन वाली बात। आप देखते हैं टाइम्स ओपन कितनी बार मैंने ओपन किया है। मैंने अनलॉक किया है 7 बार, यानी मोबाइल को 7 बार अनलॉक किया है, और यहाँ पे वाइट स्टूडियो को 14 बार ओपन किया है, सेटिंग्स को 8 बार ओपन किया है। अभी अगर मैं एक बार के लिए सेटिंग्स को ओपन कर देता हूँ और वापस आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि एक सेकेंड, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं गूगल के डिजिटल वेलबींग में जाने के टाइम। ये देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम्स ओपन में टैप करता हूँ तो सेटिंग्स 10 बार हो चुका है, क्योंकि मैंने गूगल के डिजिटल वेलबींग को भी ओपन करने के लिए 2 बार इसको ओपन किया है, तो यहाँ पे 10 बार हो चुका है। आप इसका ऐप इन्फो देख सकते हैं, इसका टाइमलाइन सेट नहीं हो सकता। आप यहाँ पे ड्यू रिकॉर्डर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं कितनी टाइम मैंने ओपन किया है, और अगर कितनी टाइम मैंने यहाँ पे वेस्ट किया है वो भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब में 22 मिनट वेस्ट किया है। अगर कल का देखूँ तो कल यूट्यूब में बहुत टाइम वेस्ट किया था, 3 घंटे 3 मिनट, तो ये भी ये दिखा रहा है। अब हम इसके हिसाब से इसका काम कर सकते हैं। ये तो हो गया भाई डिजिटल वेलबींग। अब हम लोग बात करते हैं विंड डाउन के बारे में। ये जो विंड डाउन है ये काफ़ी एक अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप स्लीप करते हैं तो स्लीपिंग के टाइम जो इंटरप्शन आते हैं, जो मैसेज आते हैं, वो इसको डायरेक्टली डिसेबल कर सकते हैं। तो विन को हम लोग एक बार के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ये काम करता है। तो इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के साथ गेट टाइम, बेड टाइम, रिमाइंडर बहुत कुछ यहाँ पे बोल देगा, और अवॉइड इंटरप्शन बहुत कुछ है। उसके बाद गुड नाइट स्लीप, गेट ए गुड नाइट स्लीप। अब उसके बाद कब सुबह उठेंगे उसका भी एक राइज टाइम है। अब डन करने के टाइम आपको यहाँ पे एक टाइप का चीज़ देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ हद तक अलार्म की तरह है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अलार्म की तरह, आप कितनी टाइम से स्टार्ट होगा, कितनी दिन चलेगा,
डू नॉट डिस्टर्ब मोड एनेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन दिन में ये बजेगा नहीं बजेगा, कौन कौन से टाइम के लिए रहेगा, विंड डाउन सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। तो ये है विंड डाउन सेटिंग, और इसी के मदद से आप फ़ोन को टोटली डू नॉट डिस्टर्ब मोड में भी रख सकते हैं, और ये काफ़ी एक अच्छी बात है। तो फिलहाल मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रिड्यूस इंटरप्शन, अब रिड्यूस इंटरप्शन के अंदर आपको मैनेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। सारे के सारे एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सारे के सारे एप्लीकेशन के अंदर आप जिस एप्लीकेशन का जो भी नोटिफिकेशन को ऑफ करना चाहते हैं वो आप ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं जब आपका ज़रूरत हो जाए। पहले ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड रियलमी में क्वाइट टाइम के हिसाब से आता था, अभी यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब आ गया है तो क्वाइट टाइम शायद चला गया है। अगर आप यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब को इनेबल करते हैं तो ऊपर में आपको एक चांद जैसा लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि क्वाइट टाइम का लोगो है, आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है। तो रिंग रिपीट कॉल्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एक टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ किया गया गूगल डिजिटल वेलबींग में, जो कि हमारे हिसाब से काफ़ी सही बात है। अब यहाँ पे लास्ट एक ऑप्शन आते हैं शो आइकॉन इन द ऐप प्लीज़, अगर आप इसको ऑफ कर दे तो बाहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर आप इसको ऑन कर दे और कर देने के बाद एकदम लास्ट में चला जाए तो मेरे यहाँ पे डिजिटल वेलबींग आ चुका है। तो भाई लोग यही है टोटल कहानी गूगल का डिजिटल वेलबींग की। अभी आप लोग बताओ, आप लोग इसको टोटली यूज़ कर रहे हो कि नहीं, इसको यूज़ करने में कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम और बहुत इंतज़ार के बाद ये हमारे पास आया है। तो भाई लोग बस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।